दिल्ली में नशे में धुत एक शख्स ने जमकर हंगामा मचाया है। दिल्ली के खान मार्केट में एक पुलिस चौकी में एक नशे में धुत व्यक्ति ने तोड़फोड़ की। आरोपी ने पुलिस चौकी के पास खड़े वाहनों को भी आग लगाई। पुलिस चौकी में तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे युवक का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि युवक किस कदर वहां उपद्रव मचा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है वह शख्स ईंट पत्थर फेंक रहा है और पास में ही वाहन खड़े हैं। गंभीर बात यह भी है कि दिन के उजाले में इस करतूत को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस चौकी में एक भी पुलिस वाले नहीं थे। कुछ लोग इस घटना का वीडियो बना रहे थे, वो भी इस बात पर हैरान थे कि आखिर पुलिस चौकी में कोई भी पुलिस कर्मी मौजूद क्यों नहीं है। यह युवक काफी देर तक वहां तांडव करता रहा, लेकिन नशे में धुत इस युवक को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। बाद में पुलिस चौकी में हुई इस तोड़फोड़ की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस चौकी में कानून तोड़ रहे इस शख्स का नाम नदीम बताया जा रहा है। पुलिस ने नदीम पर धारा 436, 285, 278, 283 और 506 के तहत केस दर्ज किया है। नदीम ने पत्थर मारकर चौकी के तीन साइड के शीशे तोड़ दिए थे। इसके अलावा उसने अपनी ही पाइप में आग लगा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज़।